हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैंने वार्डरोब में जोड़ी है। एक्चुअली ऐसा होता था कि कम स्पेस होने के कारण मतलब अब होता है कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, तो उस कारण से क्या होता है कि जगह नहीं होती है और फिर मतलब वार्डरोब भर सा जाता है। तो जैसे वार्डरोब होता है हमारा, ऊपर का जितना भी जो भी सेल्फ होता है तो वो वाले कपड़ों के लिए होता है, जैसे जो हैंगर वाले कपड़े होते हैं। तो अब इतने कपड़े तो हम लोग मतलब हैंग करते नहीं हैं, तो मतलब काफ़ी स्पेस होता है उसमें। तो मैंने अमेज़ोन से एक ऐसी चीज़ मंगाई है जिसको आप वहाँ पे ऐड करके एक शेल्फ अपनी खुद से बना सकते हैं। उसमें आप कुछ भी ऐड कर लिए, बाकी पूरा जो साइड का रहता है वो बिल्कुल खाली रहता है, उसमें आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आज यही दिखाना चाह रही हूँ। बाकी प्रॉपर वार्डरोब मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी मैं या करती हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अब हम बार बार कपड़े निकालते रहते हैं तो कपड़े फिर ऊपर नीचे होके फिर वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन मैं अच्छे से मतलब वो करूँगी और मतलब ऑर्गेनाइज करूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने ये मंगाया है अमेज़ोन से। 1 मिनट, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ उसकी पैकिंग कैसी है। ये देखिए, इस तरह की पैकिंग में आएगा ये, ठीक है, इस तरह की पैकिंग में आएगा। और ये इसके ऊपर, ये देखिए, इसके ऊपर इस तरीके से होगा ये चिपकाने का, स्टिकर जैसा होता है ये इस तरीके से। तो ये ऐसे आएगा, इस तरीके की पैकिंग में आएगा, स्क्वायर शेप में आएगा इस तरह की पैकिंग में। अब आप इसे ओपन कीजिए और देखिए आपका एक वार्डरोब बन जाएगा। तो ये देखिए कपड़े का है ये पूरा, तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, ये देखिए ओपन करने पे ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए इसमें सेल्फ देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेल्फ है इसमें, ये देखिए। तो ये इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं इसको पिछले 20 दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो पिछले 20 दिनों से यूज़ कर रही हूँ इसका, मैंने अच्छे से भरपूर एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ। पहले मैंने सोचा पहले मैं खुद से इसका एक्सपीरियंस करूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो ही मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँगी, और अगर मुझे ये सही नहीं लगेगा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊँगी ये चीज़। तो ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 4 इसमें सेल्फ है और काफ़ी अच्छा मतलब गहरा है, देखिए पीछे का कंपार्टमेंट है। तो इसमें यहाँ पे देखिए आप अपने शर्ट रख सकते हैं, इधर अपनी जीन्स रख सकते हैं, टी शर्ट्स रख सकते हैं और कुछ भी सामान रख सकते हैं, आपको जो चीज़ें सूट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। कुल बहुत अच्छा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत यूज़फुल है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अगर लेना है तो बाय कर लीजिए वहाँ से, अमेज़ोन से। तो इसको बोलते क्या है, इसे आप वार्डरोब सेल्फ बोल सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ आएगा, जैसे आप ऊपर टाइप करेंगे कि कितने सेल्फ का चाहिए, 5 सेल्फ का भी होता है, 3 सेल्फ का भी होता है, मैंने 4 सेल्फ वाला लिया है, तो आप 4 सेल्फ वाला ले लीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसका मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ कितने का पड़ा था, ये पड़ा था 428 का पड़ा था ये, तो 428 का काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए, ये फटेगा भी नहीं और ऐसी भी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपके ये वार्डरोब में अटैच हो गया, आपने लगा दिया तो कोई मतलब नहीं है इसको बार बार बाहर निकालने का, बस इसको लगा के रखिए उसके अंदर, उसके बाद इसका यूज़ कीजिए अच्छे से। तो ये तो मतलब लाइफ टाइम के लिए, इसको अगर आप बहुत अच्छे से सेफ्टी के साथ रखेंगे तो ये हमेशा मतलब लाइफ टाइम चलेगा आपका। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने वार्डरोब में कैसे करके लगा रखा है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सेल्फ लगा रखी है, तो इसको ऊपर से देखिए, ऊपर का भी दिखाया है मैंने, ऊपर से इस तरीके से ये ऊपर से वो रॉड में चिपक जाता है और ये 4 सेल्फ है इसमें। ये मैंने इस तरीके से शर्ट जीन्स, नीचे ये जैकेट रखी है ब्लैक कलर की, ये काफ़ी भारी जैकेट है और ये जैकेट के अलावा भी इसमें स्पेस है अभी भी नीचे और भी कुछ रखने के लिए।
और ये देखिए साइड में देखिए जो हैंगर वाले कपड़े उसके लिए भी काफ़ी स्पेस है। मैंने अपने सूट टांगे हुए और मतलब हैंग किए हुए हैं और अपना कोट भी रखा हुआ है। और इधर वार्डरोब के किनारे देखिए मैंने पीछे इनकी आराध्य के पापा की शर्ट काफ़ी प्रेस करके रखी है, वो भी चार पांच शर्ट है, मतलब चार पांच शर्ट वार्डरोब के किनारे आ भी गई है जो हैंग की हुई। और ये मेरे सेंटा क्लॉज है। अब क्रिसमस का भी मौका आ रहा है, आई मीन क्रिसमस डे आ रहा है, तो आपको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस डे। तो ये देखिए इस तरीके से, फिर नीचे का जो सेल्फ है वो मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसमें भी काफ़ी स्पेस रह गया है अभी, और इसमें कपड़े आ सकते हैं। और उसके लास्ट वाला भी मैंने इस तरीके से, तो ये वाला जो मेरा सेल्फ था सबसे ऊपर वाला जहाँ पे कपड़े हैंग होते, इसमें हमेशा प्रॉब्लम ये होती थी, मैं कैसे भी कितना भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ अगर कपड़े, फिर भी वो अगर एक कपड़े निकालो तो वो सारे नीचे गिर जाते थे। तो मतलब बहुत टाइम से मैं सोचती थी क्या करूँ इसका। तो भी एक दिन अचानक से मेरे को ऐसा हुआ कि मैं इसमें अमेज़ॉन में ढूंढती हूँ, तो जब मैंने फ़ाइंड आउट किया तो मुझको ये सेल्फ मिला उसमें, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस किया है मैंने, इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। सेकेंड देखिए ये मेरी आराध्या की अलमीरा है, तो जैसे बेबी अलमीराज होती है, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है। तो ये बेबी अलमीरा है आराध्या की, और इसको तो मतलब इस अलमीरा को तो 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल पहले लिया था ये। तो इसमें देखिए इस तरीके से मैं आराध्या के डेली के कपड़े रख देती हूँ, जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, जो मतलब डेली इसने पहनने होते हैं, तो वो मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं ये कपड़े। और थर्ड ये जो हमारा डबल बेड होता है, डबल बेड के पीछे जो जहाँ पे तकिया वाला होता है पीछे, वहाँ पे भी काफ़ी स्पेस होता है, ये जैसे ड्रॉ होता है, तो यहाँ देखिए ये मैंने आराध्या के थोड़े से इधर उधर जाने के कपड़े यहाँ पे रख दिए, जो थोड़े से मेन मेन कपड़े होते हैं, बाकी कपड़े मैं बेड के अंदर डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो देखिए मैंने आप लोग को दिखाया कि मैंने अपने वार्डरोब में किस तरीके से इसको मतलब हैंग कर रखा है, तो ऐसे ही हैंग होता है ये, जो हैंगर का वो हैंगर का वो होता है रॉड होता है उसी में ही ये हैंग होगा, बहुत इजीली नीचे तक आ जाता है। और इसमें आप अपने कपड़े अच्छे से तही लगा के रख सकते हैं, और आपका ये होता है कि एक सेल्फ और ऐड हो जाता है, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कपड़े। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी वीडियो बनाई है, थोड़ा सा यूज़फुल बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल ये है कि हमारे इतने कपड़े हो जाते हैं लेकिन स्पेस बहुत कम हो जाता है रखने के लिए। तो जिनके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स है कि स्पेस कम हो जाता है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। तो पहले आप इसको देख लो, आराध्या को दिखाओ आपने क्या किया है, ये देखो, ये इसने ये नेल पॉलिश लेके ये पूरे अपने मुंह में लगा दिया। दिखाओ अपना मुंह, दिखाओ अपना, सबको दिखाओ अपना मुंह दिखाओ, ये देखो सब हंस रहे हैं आपको देख के, ये क्या लगाया आराध्या ने। अपना हेयर बैंड दिखा दो, दिखाओ हेयर बैंड, हेयर बैंड दिखा दो, ये हेयर बैंड। अब पीछे इसका वो उसका चार्ट लगा है, ये ए फॉर एप्पल का और पार्ट्स ऑफ बॉडी का, उसमें भी इसने पूरा लगा दिया नेल पॉलिश। बस इसका यही काम है पूरे दिन, या तो कुछ कुछ पेन से करती है, पेन से अपने हाथों में कुछ कुछ लगा देना, या फिर नेल पॉलिश अगर इसे मिल जाए। वैसे तो मैं छुपा के रखती हूँ अपनी नेल पॉलिश सब, लेकिन फिर भी होता है ना, बच्चे ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से, और अगर इसे कहीं से मिल गई मेरी नेल पॉलिश तो बस फिर समझ लो हो गया काम। नेल पॉलिश तो फिर मिलती नहीं है फिर मुझको दोबारे से, इसीलिए मेरे को मौका नहीं मिल पाता कभी नेल पॉलिश लगाने का, क्योंकि आराध्या आराध्या के पास होती है नेल पॉलिश, है ना आराध्या, है ना, मम्मा को नहीं देती ना नेल पॉलिश आप मेरे को नहीं देते, मुझे दे दो मैं लगा लेती हूँ अपने, लगा लो ठीक है। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बहुत टाइम से मेरे वीडियोस नहीं देख रहे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे देखिए मेरे वीडियोस, और कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर अपलोड करूँ और आगे अपलोड करूँगी भी, बार बार आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, प्रॉमिस ब्रेक हो जाता है, लेकिन अब कोशिश करूँगी बिल्कुल कि रेगुलर करूँ। लेकिन आप लोगों से बस एक ही विनती है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियोस को देखिए, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो हम, और उसके अलावा एडिटिंग पे भी बहुत टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियोस देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय कर दो। बाय बाय, ये क्या है।